मैडम जी, राम राम। राम राम मैडम जी, लो मुंह मीठा करो। अरे वाह मटरू, किस खुशी में मिठाई बांट रहा है? मैडम जी, टुडे वाज माय मैरिट, आज मेरी शादी थी ना। ये तो बहुत खुशी की बात है मटरू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच। बट मैडम जी, इससे भी बिग बिग खुशखबरी है, ये मिठाई का डब्बा तो उस खुशखबरी के नाम का है। अच्छा, तो चलो बताओ कौन सी खुशखबरी है। तो सुनो मैडम जी, मेरी बिग बिग खुशखबरी, मैंने शादी से इनकार कर दिया है। अबे गधे, तू इसे खुशखबरी बोल रहा है? मगर एक बात बता, तूने शादी से इनकार किया क्यों? मैडम जी, यू नो, जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी ना, मैंने उसको अकेले में बुलाया और मैंने उसे कहा, तू मुझे एक बात बता, तेरा किसी से अफेयर तो नहीं है ना? तो फिर उसने क्या जवाब दिया? बता रहा हूँ ना मैडम जी, वेट। उसने मुझे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैडम जी, आप मुझे एक बात बताओ, जब वो लड़की किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे हो जाएगी? गधे, धन्य है तेरी वो माँ जिसने तुझे पैदा किया। मैडम जी, ये तो बहुत भाग्यशाली वाली बात है कि मैंने उसके गले में मंगलसूत्र नहीं डाला। अगर मैं उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना मैडम, खुशी वाली बातें। धन्य है मटरू ये धरती जिसने तुझ जैसे शराबी का बोझ संभाल रखा है, समझा? मैडम जी, यू नो, ये तो अपना अपना नसीब होता है, वो छोड़ो। मैडम जी, आप मेरी एक समस्या का हल करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ मैडम जी। बता क्या बात है? तो सुनो मैडम जी, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, और जिसे मैंने मना किया था, हाँ, वो मेरी बात सुन के मुझे बोली, आई एम गोइंग। आप मुझे ये बताओ मैडम जी, आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? मैं जा रही हूँ। नो नो मैडम जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद चले जाना। वैसे मैडम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं जिससे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। अब मटरू, तू यहाँ से जाने का कष्ट कर। ओके मैडम जी, आप गुस्सा हो रहे हो ना, तो आप भी मेरा मिठाई का डब्बा वापस करने का कष्ट करें। ले, और दफा हो यहाँ से। थैंक यू, गोइंग। ओके बाय, सी यू। मटरू, तू भी बड़ी कमाल की चीज है, बनाने वाले ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया।